आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 26 जनवरी के ईश्वर वरदान की, और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारा 26 जनवरी। हमें मिलनी चाहिए अपने अंदर की कमी कमजोरियों से स्वतंत्रता, परतंत्र तो हुए हुए हैं हम, तो हमारे लिए 26 जनवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही हम लोगों ने पाई थी, भारत ने स्पेशली रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं, तो उस दिन भारत ने ही अपना नया संविधान शुरुआत करी, या नए तरीके से उसने अपने जीवन को शुरुआत या स्टार्टिंग करी। तो परमात्मा आज हमें इस दिन सिखाते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ संविधान होना चाहिए, हमारे अंदर भी हमें रिपब्लिक होना चाहिए। दैट मीन्स हमें अंदर से भी बहुत ही शांत, बहुत ही संपूर्ण, क्लीन और क्लियर होना चाहिए, जो कि आज दुनिया वाले करना चाहते हैं, और वो तब कर पाते हैं जब वो औरों के राज से स्वतंत्र हो। दैट मीन्स औरों ने क्या कहा हमारे बारे में, उसने मेरे को ऐसे कहा, इसने वैसे कहा, उसके जीवन में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरा जीवन अच्छा क्यों नहीं है, उसका जीवन क्यों बेटर है मेरे से, ये हो गए हम रिपब्लिक नहीं हुए, ये कि हम क्या हो गए, हम औरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं हमारे मूड के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें जुदा होना है इस परतंत्र से, हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, और साथ ही हमें अपने खुद के सिद्धांत बनाने हैं, हमें अपना ही खुद का रिपब्लिक बनना है, हमें अपना खुद का ही ऊपर कंट्रोल लेना है वापस। तो देखिए परमात्मा आज कहते क्या है आज के वरदान में। परमपिता कहते हैं कि सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। हमारे पास बहुत सारे ओल्ड बिहेवियर्स हैं, पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, जिनको हम कहेंगे पुराने खाते, और जिनके कारण, उन आदतों के कारण हमारे बुरे पाप कर्म बन जाते हैं। तो हमारे जो खाते हैं पुराने वाले, वो हमारे संस्कारों की, हमारी आदतों की वजह से बने हुए हैं, और वो आदतें कहाँ से आई हैं, वो है हमारे पुराने सीखे हुए तरीके, पुराने चलन चाल हमारे, और वो सारे चलन चाल कहाँ से आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमने सीखे हैं गलती से। किसी ने कुछ बुरा करा तो हमने सोचा हम इससे बदला ले लें, हमने रिवेंज लेना सीख लिया। किसी ने हमारे बारे में बुरा भला बोला तो हमने उसकी चुगली करनी शुरू कर दी, हमने अहंकार दिखा के बोला कि वो अपने आप को क्या समझता है, तो ये भी हमने क्या किया, बदला लेना शुरू किया, हमने औरों की बेइज्जती करनी शुरू करी। तो इससे हमारे खाते बनते गए, हमने दुआओं की जगह हमने बददुआएं कमानी शुरू करी। इसलिए परमात्मा कहते हैं चेक करो आपके खाते कितने हैं, आपने प्रॉफिट लॉस कितना किया। जैसे बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉफिट या लॉस करता है, उसी तरीके से हमने भी क्या किया हुआ अपने जीवन में, हमने प्रॉफिट कमाया कि हमने लॉस किया हुआ है, कौन से कर्मों के खातों में। तो ये आप चेक कैसे कर सकते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, और जब आपको समझ आता है कि ये तरीका क्या है इसको चेक करने का, जो कि आप सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें बाय द वे। तो देखें परमात्मा इस विस्तार में कहते क्या है, बाप दादा, बाप मतलब हो गए परमपिता परमात्मा, और दादा हो गए हमारे एडम, जिन्होंने पहले ही परमात्मा पिता या भगवान को फॉलो किया और अपने आप को प्योरीफाई किया और अपने खातों को क्लियर किया, बिकॉज एडम ने पाप कर दिया था, तो इसका मतलब एडम वापस जा नहीं सके ऊपर, तो एडम यहीं कहीं घूम रहे थे अलग अलग जन्मों में। तो एडम को पहले इस ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है, उनको ये ज्ञान मिलता है परमात्मा से, उसके बाद में जाकर के हम सबको मिलता है, जो कि आज आपके साथ में शेयर हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े, चौपड़े मतलब खाते, अब साफ देखने चाहते हैं कि भाई हमारे जो पुराने संस्कार है, पुराने बिहेवियर्स है, उनको तुम क्लियर करें। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता, मतलब कि बाहर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, कौन क्या बोलता है, कौन कैसे करता है, कौन कैसे बिहेव करता है, कौन किसी की चाल कैसी है, ये औरों को देखना नहीं है, हमें बाह्य मुक्ता में नहीं आना है, का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रहना चाहे। बाह्य मुक्ता का खाता मतलब किसने क्या किया, क्या क्या किया, मतलब औरों का दर्शन करना, स्वदर्शन की जगह परदर्शन, औरों का दर्शन करना शुरू करना, ये खाता नहीं होना चाहिए, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं, किसमें क्या खामी, किसमें क्या खामी नहीं है। नो, हम जज नहीं है, लेट गॉड बी द जज, परमात्मा को जज बनने दे। का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रहना जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त। क्या रहो, सदा सर्व बंधन मुक्त, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, कौन क्या बोलता है, कौन नहीं क्या करता है, किसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो इतने साल से ऐसे हैं, उसने ऐसे कर दिया, इतने बड़े हो गए, इनको इतनी समझ नहीं है, ये सारे खाते हमने बंधन नहीं बनाने, बिकॉज आपने जैसे किसी के बारे में सोचा, आप फोकस नहीं कर सकते अपने काम पर। अगर आप स्टूडेंट हो सुन रहे हो इसको, तो आप अपने काम पर, अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके मन में चलता रहेगा हमेशा ऊंच नीच की भाव चलते रहेंगे,
भावनाएं आपके ऊपर बदल जाएगी। आप जैसे किसी और में सोचोगे आपकी भावना बदल जाएंगी, फिर किसी और के बारे में सोचोगे आपकी भावना बदल जाएंगी, अपने बारे में सोचोगे फिर भावना बदल जाएंगी। तो आपकी भावनाएं हमेशा लहरों के ऐसे ऊपर नीचे होंगी, जिसको कहते हैं अस्थिर मन और भावना। तो आप क्या ऐसे जीना चाहते हो? अगर आप ऐसे जी रहे हो तो आपको आना पड़ेगा ब्रह्म कुमारी इसमें और सीखना पड़ेगा कि अपने भावनाओं को कैसे एग्जैक्टली कंट्रोल में लाएं। फिर देखें आगे, परमात्मा कहते हैं सदा सर्व बंधन मुक्त, ये सारे बंधन हैं सारे, क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, और योग युक्त, योग युक्त मतलब सारे बंधनों को तोड़ो, क्या ऑन क्या कर रहा है छोड़ो, अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ो। हमें क्या लेने देना, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, तो और जो करेंगे वो करेंगे अपना। इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। अंतर्मुखी सदा सुखी, जो कि अपने बारे में ही सोचता है सिर्फ, मतलब सेल्फिश वाली बात नहीं हो रही है, मेरे अंदर क्या खामी है, मुझे अपने अंदर क्या चेंज करना है, मेरे कौन से बिहेवियर्स अच्छे नहीं है, ये अपने बारे में सोचना, वो सेल्फिश वाला नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है, इसलिए सेवा खूब करो लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। कौन क्या, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, छोड़ो, अंदर अपने आप को चेक करो। अंतर्मुखी की सूरत सदा बाप का नाम बाला करो। अंतर्मुखता की सूरत सदा द्वारा बाप का नाम बाला करो। जो अंदर अपने अंदर ही रहता है, जिसको बाह्य बातों में कोई, वाहियात बातों में, बेकार की बातों में, वेस्ट थॉट्स में कोई लेना देना नहीं है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, खुसर खुसर चटपटी बातों में नहीं है, वो परमात्मा का नाम बाला करता है, वो सिद्ध पुरुष है, वो पवित्र पुरुष है, वो देव आत्मा बन सकता है। आत्माएं बाप का बन जाए, ऐसा प्रश्नचित बनाओ कि आत्माएं जो हैं वो परमात्मा की बन जाएं, आपकी बातें सुनकर के, आपका बिहेवियर देख करके, कि आपको इतनी ताकत है कि आपको किसी ने बोल के चला गया और आपको कोई असर ही नहीं पड़ा, आप खुश हो, अरे कैसे किया आपने, हम तो मेडिटेशन सीखते हैं, अच्छा कहाँ, आइए ना। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, जो आप भी सीख सकते हैं निःशुल्क, जाइए और इसका लाभ उठाइए। इसके साथ हम शांति।